प्यारे दोस्तों, वंदे मातरम। लक्ष्मी शरीर प्राण सब धर्म स्थिर है, धर्म अडिग है, धर्म कभी हारता नहीं। और धर्मों में से सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म। जो भावना देश के साथ जुड़ जाए, अगर भावनात्मक होकर ही वोट डालना है, जो देश के साथ भावना जुड़ जाए वो भगत सिंह बनाती है, राजगुरु बनाती है, सुखदेव बनाती है। ये ना समझना ये स्वाधीनता तुम्हें यूं ही मिली है, हर कली इस बात की खून पी के ही खिली है। बिछ गए वो नींव में, दीवारों के नीचे गड़े हैं ये महल, अपने शहीदों की चिताओं पे खड़े। याद रखना, ये लड़ाई बुलेट की नहीं है, ये लड़ाई बैलेट की है। और तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा हक तुम्हारे हाथ। तुम अपना मुकद्दर खुद बनाओगे और बाद में उसे खूनी का नाम दे दोगे। सो इसलिए ये सोच के चलना कि छोटे छोटे छिद्र बड़े बड़े जहाजों को डुबो देते हैं। देश की तस्वीर और तकदीर को अगर बदलना है तो वोट से चोट करना पड़ेगा। जो लोग आज झूठ की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। जीत कौरवों की होगी या पांडवों की, धर्म की होगी या अधर्म की, ये आपके हाथ में है। छोटी सी चिड़िया जल लाती थी, जंगल की आग बुझाती थी। कौवा खड़ा था, कौवा कहने लगा, चिड़िया रानी, समझता था तुझे बड़ी सयानी, लेकिन निकली तू नयानी। तेरी इस चोंच में जो पानी है इससे आग बुझने वाली है। तो उसने कहा, कौवे राजा, जंगल की आग का जब इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम बुझाने वालों में आएगा, लगाने वालों में नहीं। आग लगी है इस देश में और बुझा सकते हो तुम। इस देश को सही हाथों में दे सकते हो तुम। इट इज चॉइस एंड नॉट चांस दैट डिटरमिन्स योर डेस्टिनी। तुम्हारे चयन पे निर्भर है कि ये देश किस तरफ जाएगा। सृष्टि को बदलना है तो दृष्टि को बदलना होगा। तुम दृष्टि अगर सही रखोगे तो इस देश की दशा बदल जाएगी। तो दोस्तों, हम तैयार हूं। दाओ सवाल, हो जाओ शुरू। गुरु दाओ सवाल। पहला सवाल मनु जैन का है, क्या देश में भटकाने बरगलाने झूठ की राजनीति हो रही है? Give a lie a 24 hour start and truth will never be able to catch it. ये मोदी साहब समझते हैं कि झूठ को 100 बार बोलो तो झूठ सत्य हो जाएगा। क्या कौआ हंस की चाल चल लेगा? क्या सत्य प्रताड़ित होकर पराजित हो जाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। यही शास्त्रों में लिखा है। और झूठ की राजनीति बड़ी साफ है। लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को भटकाया जा रहा है, लोगों को सही मुद्दों से दूर किया जा रहा है, भ्रमित किया जाता है। मृग तृष्णा, इल्यूजन्स ऑफ मिराजेस ऑफ होप। देखा है ना कि पानी यहां है, नहीं मिलता, फिर आगे जाओ, नहीं मिलता। ये है मृग तृष्णा। इस मृग तृष्णा में एक जंग की गूंज है। जंग के जामे में म्यूट हो रही है असली मुद्दों की आवाज। क्या है वो मुद्दे? 1,10,00,000 जॉब्स एक साल में, 45 साल में नहीं हुआ। एक आदमी 10,00,000 का कोट पहन के टोपियां पहना रहा है लोगों को, 15,00,000 की है? वो किसी ने नहीं देखा। दिखा है किसी ने? नहीं देखा। वो गुम हो गया है, वो लुप्त हो गया है, क्योंकि आवाज सिर्फ जंग की। उस शोरगुल में असली मुद्दों को डिफ्लेक्ट किया जा रहा है, रिवर्स फ्लिक मानी जा रही है। इससे भटकना मत, क्योंकि कितना भी बड़ा झूठ हो, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। और सत्य वो चीज है जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, सत्यमेव जयते। गांधी के पास क्या था? हाड़ मास का पुतला थी, कोई ढकेल देता ना तो गिर जाते। गांधी के पास धर्म था, सत्य था, और सत्य कभी हारता नहीं। इसलिए या बड़े ध्यान से सोचना। चेतावनी दे रहा हूं कि अगर कोई पोस्टर बॉय है, झूठ का पुलिंदा है, अगर कोई गपौड़ शंख है, देखा ना शंखनाद होता है, यहां कोई गपौड़ शंख है जो अपने कप से लपालप है, तो वो नरेंद्र भाई मोदी है। मैं ठोक के कहता हूं छाती। क्या 2 करोड़ नौकरियां मिली? क्या गंगा साफ हुई? ये मुद्दे हैं जो भड़काया जा रहा है जिन मुद्दों से। क्या ब्लैक मनी वापस आई है? क्या राजन लिस्ट का पता है? नहीं पता ना।
ये सब बड़े मुद्दे हैं। और इज ए कैमोफ्लाज, एक कैमोफ्लाज है, सियासत हो रही है उस पर, सियासत, सियासत, जवानों की लाशों पे सियासत हो रही है, उनके खून पे सियासत हो रही है, और ये सियासत नहीं होना चाहिए, सियासत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल ठोको। आयुष मिश्रा का सवाल है, एक सर के बदले 10 सर लाने के वादे करने वाले क्या आज आतंकवाद पर लोग लगाने में सफल हुए हैं? वायदे, वायदे और अंडे टूटने के लिए होते हैं, वचन निभाने के लिए होते हैं। गुरु रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। राहुल गांधी ने जो कहा वो किया, लेकिन ये जो वायदे करते हैं ना, वायदे, ये वायदे हमेशा टूटने के लिए होते। इनसे पूछो कि आतंकवादियों के नाम पे लड़ाई लड़ने वाले, और बिल्कुल सही है वो लड़ाई, आतंकवादियों से लड़ना चाहिए, कुचलना चाहिए, लोहा लोहे को काटता है, आग आग को काटती है, और सांप जब डंक मारता है तो उसका एंटीडोट सांप का विष होता है, वो सेरेडॉन से ठीक नहीं होता। लेकिन पूछो इनसे कि अजहर मसूद को उसकी बेड़ियां काट के छोड़ने खुला खुली हवा में कौन गया था? कौन था? सिक्योरिटी एडवाइजर था तो काले चश्मे में कौन है? जरा पता करो यार, जरा पता तो करो। मोदी साहब की फोटोएं देखी थी, लेकिन किसी गरीब के साथ नहीं देखी, नीरव मोदी के साथ देखी थी मैंने, नीरव मोदी के साथ। हाँ बिल्कुल, जिधर की मौत आती है शहर की तरफ भागता है, नीरव मोदी की मौत आती है तो वो डेवोस भागता है। क्या इन लुच्चे लफंगों के साथ ही पाला पड़ता है उनका? मैंने किसी किसान के साथ उनकी फोटो नहीं देखी, हाँ मैंने किसी गरीब के साथ उनकी फोटो नहीं देखी, लेकिन डेवोस में मैंने चमक चमाती फोटो देखी थी नीरव मोदी के साथ। अरे वाह क्या बात है। तो मैं उनसे सवाल करता हूं कि जवान क्यों मरे? ये बड़ा सवाल है। क्या सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये बता सकते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था कि नहीं? 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया? जब मोदी साहब जाते हैं सड़कें बंद हो जाती है, चक्का जाम, पंजाबी में कहते चक्का जाम, किली टाइट, कुत्ता पूंछ नहीं मारता, परिंदा पर नहीं मारता। 3000 जवान जाता है, 15 घंटे सोता नहीं, तो भैया आम आदमी के लिए सड़क खुली है? 350 किलो आरडीएक्स लेके कोई अकेला आदमी धाएं बीच में घुस जाता है? हाँ ये इंटेलिजेंस है क्या? ट्रैकर कहां थे जो फौज के आगे चलते थे? सैटेलाइट सिस्टम कहां है जो आज भी बड़े बड़े देशों में चलता है? जब फौज चलती है उसके आगे ट्रैकर चलते हैं। और भाई जब डीजीपी ने गुहार लगाई सीआरपीएफ के कि एयरलिफ्ट करो वो सस्ता पड़ता है, तो क्यों नहीं? वर वी प्रिवेंटिंग और प्रिपेयरिंग, और वर वी रिपेंटिंग एंड रिपेयरिंग? एक भी शहीद के घर अगर मोदी साहब गए हों तो मैं नीचे बैठने के लिए तैयार हूं। हा देवता ना काठ की मूर्ति में, ना मिट्टी की, देवता भावना में विद्यमान है, और भावना ही सब कुछ है। भावनाहीन आदमी ठंडे लावे के समान होता है। नरेंद्र भाई मोदी, इस सवाल सीधे आपके ऊपर होंगे। जिस जंग में, सुनिए ये मैं नहीं कहता, ये जगतगुरु चाणक्य कहते हैं, जिस जंग में राजा की जान को खतरा ना हो वो जंग नहीं है, वो राजनीति है, वो सियासत है। करो ना सियासत करो, लेकिन मेरे भाई फौज को छोड़ दो, फौज पवित्र है, फौज हमारी आन बान शान है, इस फौज को छोड़ दो, इसका सियासीकरण मत करो, इसके कंधों से ये सियासी तीर मत दागो। अरे भाई तुम भ्रमण करने जाते हो तो 6500 करोड़ रुपया खर्च होता है। मैं अपने मुंह शादी मुबारक, मियां मिट्ठू, मोदी ने ये कर दिया, अखबारों में विकास करा दिया, है जी गुड़ में टट्टू उड़ा दिया, क्यों जी 2000 करोड़ रुपए बाहर विदेशी यात्राओं पे, और जवानों को एयरलिफ्ट नहीं कराओगे? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? तो ये सवाल है जिनका कोई उत्तर नहीं आया, बस एक सियासी तीर है
फौज का पॉलिटिसाइजेशन इससे बड़ा क्राइम, इससे बड़ा पाप, जघन्य अपराध दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और सवाल हर तरफ से आ रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष को अगर कोई सवाल करता है तो वो एंटी नेशनल डिक्लेयर हो जाता है, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है, वही एक नेशनलिस्ट पार्टी है जो आतंकवादियों को उनके घर छोड़ के आती है। कौन रोक रहा था जब आप समझौता कर रहे थे उसे सजा देने के लिए? सारा देश आपके साथ है, आप लड़ो ना आतंकियों से, लेकिन जंग के जामे में सियासत मत करो, जवानों की शहादत पे सियासत मत करो और फौज का सियासीकरण मत करो। अगला सवाल मनोज टाकमाही जी ने पूछा है कि देश की सुरक्षा का मुद्दा है या चुनावी स्टंट? अरे वाह, दिल जीत लिया गुरु, बहुत ही अच्छा सवाल। नहीं, पहले जब आतंकी हमले हुआ करते थे ना, तो मेरे भाई तब रेजिग्नेशन मांगे जाते थे। आप देखिए शिवराज पाटिल साहब और चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख साहब, जब मुंबई अटैक्स हुए थे तब वो दोनों रेजिग्नेशन देके चले गए थे। उसके बाद फिर दांतेवाड़ा में 72 जवान शहीद हुए थे, चिदंबरम साहब ने रेजिग्नेशन ऑफर किया था, सरदार मनमोहन सिंह ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उन दिनों में जब आतंकी हमले होते थे तो रेजिग्नेशन मांगे जाते थे, आज जब आतंकी हमले होते हैं तो वोट मांगे जाते हैं। राह तंदौरी साहब, आपने सागर को गागर में डाल दिया, एक लाइन में पर्दाफाश खोल दी, पोल खोल दी, नंगा करके खड़ा कर दिया। ये मैंने थोड़ा ना कहा, ये मैंने तो एक शायर, और मैं वैसे ही शायर, मुद्दों से मत भटकाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस जंग की गूंज में म्यूट नहीं कर पाओगे किसान को, जॉबलेस उसको, ब्लैक मनी को, मरे जवान मरे किसान, ऊंची दुकान फीका पकवान। क्या तुम नहीं गए थे पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब के पास बिन बुलाए जफ्फियां डालने? नहीं गए थे क्या? राहुल जी को कहते हो पोस्टर बॉय, क्या तुम नहीं गए थे भाई वहां बिन बुलाए? और किस किस के पांव छू के आए? तुम प्रधानमंत्री हो, बिन बुलाए कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, हाँ? तुम करो तो न्यारी लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। वाह गुरु वाह, तुम्हारी राजनीति बड़ी कड़क है, हाँ? तुम ही देशभक्त पैदा हुए हो, और तो दुनिया में कोई देशभक्त पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए चेतावनी दे रहा हूं, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, इस देश की तुम पे नजर है, जो पब्लिक है ये सब जानती है, कुछ छुपा नहीं है, लोगों को नहीं भटका पाओगे, लोगों को भ्रमित नहीं कर पाओगे। 3 इलेक्शन क्या हार गए यार, इतना हड़बड़ा गए, हैं? इतना हड़बड़ा गए कि ऐसे स्तर पे आ गए, हैं? भाई तुम्हारी अपनी अलायंस पार्टनर पूछ रही है कितने आतंकवादी मरे, लोगों का अख्तियार नहीं, लोगों का हक नहीं, मार्टर्स की धर्मपत्नी पूछ रही है कि तुमने रिवेंज लिया, हम सारे खड़े थे तुम्हारे साथ, पूरा देश खड़ा था तुम्हारे साथ, तो क्या हुआ, क्या हुआ 56 इंच के सीने में क्या हुआ? अगला सवाल मिश्रा जी पूछ रहे हैं, राफेल की फाइल रक्षा मंत्रालय से चोरी कर चौकीदार ने अंबानी को क्यों दे दी? भैया ये सवाल सबसे बढ़िया है, मैं एक सीधे से ढंग से आपको यह बताऊंगा कि मुखौटा उतार लिया। ये जो मुखौटे के नीचे एक इंसान कहा करता था न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो बेनकाब हो गया, पूरी तरह से उसका पर्दाफाश हो गया, क्योंकि 30,000 करोड़ अंबानी साहब को सीधा सीधा बेनिफिट हुआ। ये तो सरेआम खुलेआम सारी दुनिया बात करती है, 10 रुपए 11 रुपए का उनकी डूबी हुई 75-100 करोड़ की कंपनी का शेयर डसॉल्ट 1100 करोड़ में खरीदती है। और सबसे बड़ी बात है,
डसॉल्ट से एमओयू वो पहले ही साइन कर लेते हैं, अभी यहां डील साइन हुई नहीं। क्या बात है, अंबानी साहब को पहले ही सारा कुछ पता है। जो नेगोशिएशन टीम है, इंडियन नेगोशिएशन टीम, उसको बाईपास करके प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है वो डायरेक्ट नेगोशिएशन कर रहा है बगैर बैंक गारंटी के। गुरु कभी सुना था लाखों करोड़ बगैर बैंक गारंटी के कीमत 3 या 4 गुना बढ़ जाए? सही सवाल किया गुरु, सही सवाल। नेशनल सिक्योरिटी धंधा बन गई, नेशनल सिक्योरिटी बिजनेस बन गई, नेशनल सिक्योरिटी कमाने का साधन बन गई। और फिर आप ये कहोगे कि राफेल होता तो पता नहीं क्या होता, अगर मेरी चाची के मूंछें होती मोदी साहब तो मैं उसे चाचा ना कहता। नो अगर मगर, नो इफ नो बट, ओनली सिद्धू द जाट। और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप अगर मगर की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस होती तो तुम्हारे 36 जहाज नहीं 126 जहाज आते। और ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है ये कभी नहीं होता। अरे तुम सारी दुनिया के सामने कहते हो माननीय प्रधानमंत्री साहब द कंट्री इज इन सेफ हैंड्स, अरे जो हाथ राफेल की फाइल को महफूज ना रख सके उनके हाथों में ये देश महफूज है। सुनिए सुनिए, आवाज सुनिए, आवाज सुनिए, क्या कह रही। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने को। यह हकीकत है। डरते वो होंगे जिन्हें खौफ होगा। Cowards die many times before their deaths, the valiant taste of death. But once, ये राफेल का मुद्दा जो है ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये आपको पूरी तरह से बेनकाब कर जाएगा। आप किसी सेल्समैन को रखते हैं, मैं इंटरव्यू लेता हूं, मैं कहता हूं क्या अनुभव है भाई, कहां काम किया भाई, कितने साल काम किया भाई, क्या अंबानी साहब की कंपनी को कितना अनुभव था जहाज बनाने में, कद्दू भुइयां। और आपने इन पूंजीपतियों के जुम्मे नेशनल सिक्योरिटी लगा दी, लड़खड़ाती डगमगाती कंपनी खड़ी कर दी है। एक बात मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े लोग हैं आप, कोयले की कोठड़ी में जाएंगे ना तो सफेद चादर लेके निकल नहीं पाओगे। और एक बार दाग लग गया ना उसे लाख बार धोते रहना, वो दाग मिटने वाला नहीं, ये कलंकित करते रहा आपको करता रहेगा। और क्या है जिसपे विश्वास होता है, क्या है जिसपे लहर बनती है? मैन ऑफ जीनियस आर एडमायर्ड, मैन ऑफ पावर आर फियर्ड, मैन ऑफ कैरेक्टर आर ट्रस्टेड। आपका किरदार खेरू खेरू हो गया, बिखर गया, बिखर गया प्रधानमंत्री ताश के पत्तों की तरह। विश्वसनीयता नहीं थी, विश्वसनीयता क्या होती है? जिस प्रधानमंत्री की कीर्ति नष्ट हो जाए उसका सब कुछ गया, उसका यश उसका वैभव गया। अ गुड नेम इज वर्थ ऑल द रिचेस इन लाइफ, नाम खराब कर दिया। ये किरदार पूरी तरह से खेरू खेरू होके बिखर गया। और विश्वसनीयता कैसी है? विश्वास कोई कमल का फूल नहीं है, ये कोई कमल का फूल नहीं है कि धूप में कुमला जाएगा। विश्वास तो तूफानों में नैया को खेता है, विश्वास मिट्टी के बर्तन की तरह है कि एक बार टूट गया ना थूक लगा के लाख बार जोड़ते रहो, गूंद लगा के लाख बार जोड़ते रहो, दरारें दिखती रहेंगी। एक बार गया जवानी की तरह वापस नहीं आता, फिर आपने विश्वास खो दिया। और अब शायर कहता है दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी कजा को पहुंचेंगे, सियासी कजा मौत सियासी, कुछ अपनी कजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। हिंदुस्तान वालों खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त कहां पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले। जो आदमी नेशनल सिक्योरिटी पे खरा नहीं उतर सका वो
कैसे कह सकता है द कंट्री इज इन सेफ हैंड्स? किस पनाह पे कह सकता है? ऐ देशवासियों, प्यारे दोस्तों, वतन की फिक्र कर ऐ नादान, नादान वतन की फिक्र कर ऐ नादान, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में हैं, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तान में। बात खत्म। खटैक। अल्लाह साहब, आर्यन गुप्ता का सवाल है, किसानों का कर्ज माफ ना कर अंबानी अडानी का कर्ज माफ क्यों? वाह, देखो भाई, कर्जा तो दोनों पार्टियों ने माफ किया है, कांग्रेस ने भी माफ किया है और बीजेपी ने भी माफ किया है। फर्क इतना ही है कि कांग्रेस ने किसानों का, मजदूरों का कर्जा माफ किया है और भारतीय जनता पार्टी ने 0.1% पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया है। तथ्य के आधार पे, प्रमाण के आधार पे, सूर्य प्रमाण नहीं देता कि उसमें प्रकाश है, उसका तेज प्रमाण होता है और बौना फिर बौना है। चाहे पर्वत के शिखर पे खड़ा हो और देवता फिर देवता है, चाहे कुएं की गहराई में खड़ा हो। सरदार मनमोहन सिंह वाहिद एक प्राइम मिनिस्टर है जिसने 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया किसानों का। 72,000 करोड़ रुपया, ये नहीं कि उन्होंने, जो ऊंचे कैपिटलिस्ट हैं उनका कर्जा माफ नहीं किया, 87,000 करोड़ उनका भी किया। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, सबसे बड़ा षड्यंत्र जिसमें नीरव मोदी, माल्या, ऐसे कई लोग आ गए, जो जोर पे, राजनीतिक जोर पे सरकारी बैंकों से पैसा लेते हैं और फिर जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं कि भैया ये हमने वापस नहीं करना, ये ऐश विद कैश है, ये हमारा अधिकार है। वो 2,00,000 करोड़ था सरदार मनमोहन सिंह के टाइम पे, आपकी सरकार आई मोदी साहब, आंकड़े झूठ नहीं बोल सकते। जैसे तिनका हवा का रुख बताता है ना, आंकड़े ये बता देते हैं कि माजरा क्या है, मसला क्या है। तो फिर सरकार बनी आपकी, और अब ये आंकड़े आपको मैं बता रहा हूं। आपने किसान का कितना कर्जा माफ किया? ये क्रिकेट खेलते थे ना, तो ये इसका बह रहता था, ये परफॉर्मेंस है आपकी, ये अंडा जीरो। आपने पूंजीपतियों का जो कर्जा है वो कितना माफ किया? पूंजीपतियों का कर्जा माफ करते हो तो रेवेन्यूज फोरगॉन कहते हो, फिर ये कहते हो कि हमने ये इंसेंटिव दिया, और किसान को कहते हो कि हमने तुम्हें सब्सिडी दी है। कितना माफ किया? 3,50,000 करोड़ रुपए माफ कर चुके हो, इंसेंटिव दे चुके हो। और एनपीए 2 लाख से कितना हो गया? 11,00,000 करोड़। 18,00,000 करोड़ रुपए 0.1% आबादी के आपने माफ कर दिए। मरे हुओं को मार रहे हो, किसानों को क्या दिया? मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या? दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या? किसान अगर 2 लाख का कर्जा लेता है, ब्लैंक चेक लेते हो मोदी साहब आप, ब्लैंक चेक बैंक लेते हैं, और ब्लैंक चेक अगर पहला डिफॉल्ट हुआ नहीं, उसने पहली किस्त नहीं दी, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसका कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर नाम लिखा जाता है, उसे जलील किया जाता है, उसे इंसल्ट किया जाता है। तो ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं अडानी को कि 1,99,000 करोड़ के करीब ये अडानी साहब, अनिल अंबानी 45,000 करोड़, और फिर आप इनको 5 and 25 देते हो कि जो 5 साल में कर्जा वापस करना है वो 25 साल में करो। भाई क्या टांका है, क्या आपका नाता है, क्या सूढ़ी में घूमड़ी है कि भाई इन्हीं को फायदा दिया जा रहा है? 37,284 करोड़ ऐसा, ठीक है, आलोक इंडस्ट्री जिनको अलायंस, रिलायंस ने खरीदा, वो 22,000 करोड़। मोदी साहब, जब भी मैं पेट्रोल पंप पे जाता हूं ना, तो आपका हंसता हुआ नूरानी चेहरा देखता हूं, क्या बात है, स्माइलिंग फेस। हाँ जी, जब सरदार मनमोहन सिंह थे, एक बैरल की कीमत $150 प्रति बैरल थी, राइट? उन्होंने कभी 80 रुपए से ऊपर पेट्रोल नहीं, आप आए $40 पे आ गए, मतलब 4 गुना कम हो गई। क्या आपने फायदा गरीब को दिया? क्या आपने फायदा किसान को दिया? आपने डीजल को भी डीरेगुलराइज कर, जो फायदा उसे मिलता था वो भी छीन लिया, लेने के देने पड़ गए।
आपने 175 रुपए देके उससे 225 ले लिया जीएसटी लगा के फर्टिलाइजर पे और फर्टिलाइजर के साथ पेस्टिसाइड पे, लेकिन आपने वो फायदा रिलायंस और एसआर के पेट्रोल पंपों को खड़ा करने के लिए दिया। वो खड़े हो गए, मर गए थे जब $150 प्रति बैरल था, लेकिन उनके झंडे में डंडा आपने लगाया। सरकारें भंवरे की तरह होती कि फूल से रस भी ले लेती हैं, फूल भी जिंदाबाद, भंवरा भी जिंदाबाद। आप तो झोंक बन गए, मरे वो खत्म कर दिया। छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी के सामने खत्म हो गया। और यही मैं कहता हूं कि फार्मर सर्वाइवल के लिए एक्सिस्टेंस, उसकी एक्जिस्टेंस स्टेक पे है। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनके पास इतना पैसा है, साथ पूछते खत्म नहीं होगा, ये तो ऐश विद कैश के लिए जी रहे हैं ना। मैं आपको 1970 में, और ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, 73 रुपए प्रति क्विंटल कनक की एमएसपी थी। एक प्रोफेसर को 90 रुपए तनख्वाह मिलती थी। उसकी तनख्वाह आज 300 गुना, 450 गुना टीएडीए मिला के, और जो बड़े बड़े एम्प्लॉय हैं सरकारी कॉरपोरेट्स में, 1000 गुना बढ़ गई। लेकिन किसान की एमएसपी 19 गुना बढ़ गई है। क्या कसूर है उसका? और आप मजाक कर रहे हो किसान को 6000 रुपया देके? 5.5 साल आप सो रहे थे, कुंभकर्ण भी 6 महीने बाद आदम बहु करता हुआ उठ जाता था। आपने कुछ नहीं किया। अब आप कह रहे हो कि हम 6000 रुपए प्रति साल देंगे, महीने कितने बनते हैं बताओ ना? 450 450 रुपया महीना दोगे एक किसान को? अरे उसको एक दिन का 1000 मिलना चाहिए, 2000 मिलना चाहिए। उसकी जो कैलकुलेशन है, जो डीजल की कीमत के अनुसार कीमतें बढ़ती हैं, उसको आपने कितनी कीमत दी है? 1992 में डीजल की कीमत 6 रुपए थी और गेहूं करीब 350 रुपए था और 270 रुपए धान था। डीजल बढ़ गया 80 तक, यानी 17 गुना, और किसान की एमएसपी आज 1500 और 1800 है, मतलब 5 गुना भी नहीं बढ़ी। इससे बड़ा मजाक क्या करोगे? किसान को अगर खड़ा करना है तो उसकी इनकम को बढ़ाना होगा, और उसकी इनकम को कम से कम नहीं, उसको पर किसान 15,000 से 18,000 रुपया एक महीने का चाहिए, तब वो खड़ा होता है। किस गुना की सजा दे रहे हैं आप? अन्नदाता को आपने भिखारी बना के खड़ा कर दिया। जो बुनकर कपड़े बनता था, उस बुनकर को आपने नंगा करके खड़ा कर दिया। और जो मकान बनाने वाला बढ़ई है, उसे बेघर करके खड़ा कर दिया। किस गरीब के हुए आप? 5% आपके बजट का हिस्सा, पता नहीं कितने लाखों करोड़ है, वो 5% 0.1% आबादी के लिए रेवेन्यूज फॉर गॉन इंसेंटिव। करीब 2,00,000 करोड़ रुपए हर साल देते हो आप, आज भी दे रहे हो, लेकिन सूंड़ी भी घूमड़ी है। और किसान को 70% आबादी को 2% क्या इंसाफ है आपका? अमीर का चराग जलने दो, गरीब की झोपड़ी जलने दो। अमीर की पौ 12 आपकी सरकार में, गरीब के 3 काने। नहीं नहीं, 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 ये इंसाफ नहीं है। अन्नदाता है, अन्नदाता को उसका बनता हुआ सम्मान मिलना चाहिए। और ये मेरे सवाल है। इंसान वो होता है जो कहता है वो करता है। ये राहुल गांधी है कि 10 दिन के अंदर 3 स्टेटों में जो कहा था वो किया, कहनी और कथनी में कोई फर्क नहीं, खटा है पूरा, चलो करके दिखाओ। और मिनिमम इनकम गारंटी 100 सुनार की टुक 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 टुक, और एक लोहार, नॉट ओनली स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट बट मेक इट हॉट बाय स्ट्राइकिंग, दैट इज अ गुड स्ट्राइक। ये तो हुई ना भावना जो जुड़ी गरीब, आपने उन्हें बेबस कर दिया, लाचार कर दिया, मजबूर कर दिया।
और इन भगौड़ों के लिए ऐसी योजना बनाएंगे, इनको कुछ चित कर ही नहीं सकता, ना इनके कोई ब्लैंक चेक, ना इनको कोई पूछने वाला, ना इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी, ना इनको कोई जवाबदेही, नो कॉमेंट्स। वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह, चलो खैर, चलो खैर। या खून पसीना करके दिखा, या तान के चादर सोता जा, ये नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता जा यार, बोलता जा। अगला सवाल, मानसी आर्य जी पूछ रहे हैं, पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान से ज्यादा देश को टोल आर्मी से खतरा रहा, मजबूरन बरखा दत्त जैसी मशहूर पत्रकार को शिकायत करनी पड़ी, आपसे भी टोल आर्मी बहुत प्यार करती है, आखिर इनका मकसद क्या है? तो इनका मतलब है मैं शिकायत करूं? सुन गुरु, सुन सुन, शहंशाह शाह और बहादुर सच्चे लोग शिकायत नहीं करते, वो शिकस्त देते हैं, शिकस्त, करारी शिकस्त, जैसे 3 इलेक्शनों में दिए, वो पोल खोलते हैं, वो बेचारे नहीं बनते। सिंपथीज फॉर द वीक एंड द वीक गो टू द कुकिंग पॉट, कीचड़ को धोने की अपेक्षा में उससे दूर रहना अच्छा। इग्नोर करता हूं मैं ये जो कंप्यूटर वॉरियर्स है ना, कीबोर्ड वॉरियर्स, ट्रोल पुराना हो गया, मैं नया निकालेंगे कुछ, इनका नाम है कीबोर्ड वॉरियर्स और इनके साथ है कमांडो कॉमिक चैनल्स। पवाल उठा दिया, ओ कर दिया, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता, कि चीखने से सत्य झूठ में बदल जाएगा, नॉइस प्रूव्स नथिंग, इवन अ हेन व्हाइल लेइंग एन एग कैकल्स एज इफ शी इज लेइंग एन एस्टेरॉइड, दे आर लाइक गोल्डन ड्रम्स, मेक अ लॉट ऑफ नॉइस बट देयर इज नथिंग इनसाइड बट एयर, समझे ना, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क एक चीज से पड़ता है कि तुम लोगों की सच्चाई की लेजिटिमेसी को खत्म करना चाहते हो, जो सत्ता पक्ष को सवाल करता है वो तुम्हें भाता नहीं, उसे एंटी नेशनल डिक्लेयर करते हो, तुम डेमोक्रेसी नहीं एक डिक्टेटरशिप हो, तुमने लोकतंत्र को गुंडा तंत्र, डंडा तंत्र, भय तंत्र, तुम भय देते हो लोगों को, तुम गाली देते हो लोगों को, बरखा दत्त तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, और बहुत लोग हैं, तुम गाली देते हो उनको, तुम भयग्रस्त करते हो उनको, तुम जेल में ठोकते हो उनको और तुम गोलियां बरसाते हो, लेकिन इसका जवाब एक ही है, करेज, एंड करेज इज कंटेजियस। ये मेरी चिट्ठी में लिखा था, रोहित वरमुला, नजीब, गौरी लंकेश, हमारे वहां इंस्पेक्टर जो अपनी बेटी की आबरू बचाने आया था, उसकी गोली मारी गई छाती में और तांडव किया गया उसके ऊपर, छबील के पीछे खड़े होकर गोलियां बरसाई गई, ये वो लोग हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक भावनाओं का हनन किया है, ये बख्शे नहीं जा सकते। आप एंटी नेशनल किसी को भी बोल देते हो, ऐसा नहीं होगा मोदी साहब, ये लोकतंत्र जो है ना, ये अब तुम्हारी पीढ़ियों से होगा स्वतंत्र, पहले अंग्रेजों से स्वतंत्र किया था, मेरा बाप लड़ा था। तुम सवाल करते हो ना नवजोत सिंह सिद्धू का, तुम्हें बताता हूं, सारी दुनिया जाने, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं मोदी साहब, नाम सरदार भगवान सिंह सिद्धू, गदरी कीर्ति गदर पार्टी में, लीडर का नाम जिसके लिए काम करते थे तेजा सिंह स्वतंत्र, लाहौर में लाल किला अखबार निकाल, फुटबॉल खेलते हुए एक बार, राजाओं की फैमिली से हम, फुटबॉल खेलते हुए एक बार दादा के पास आए, दादा ने कहा राजाओं का नमक खाना है, भगवंत अंग्रेजों के खिलाफ तुम्हारी आवाज नहीं उठी, फुटबॉल के जूते पहने यूं वैसे ही निकल गए। खालसा कॉलेज लाहौर में मेरे पिता ने खालसा कॉलेज लाहौर में 3 महीने साबुन नहीं देखा मोदी साहब, आपको बताना जरूरी है क्योंकि आप बड़े बवाल कराते हो, पीठ पीछे वार करते हो, किसी को भी एंटी नेशनल कहते हो, जिस क्लास में पढ़ते थे उसी में ट्यूशन देते थे,
सवेरे लाल किला अखबार निकालते थे, तेजा सिंह स्वतंत्रता साहब के लिए काम करते थे, गदरियों की पार्टी में थे, वो गदरी जो देश के लिए लड़ते थे, सवेरे 4:30 बजे पकड़े गए। अंग्रेजों ने सजाए मौत सुनाई, टू बी शॉट बाय द फायरिंग स्क्वाड, जूड़ा बांध के 3-3 दिन खड़ा रखते थे, जब नींद आती थी बाल खींचते थे, नाखून खींच के नमक डालते थे, गुम के पोतड़े मुंह पे लगाते थे, आधे सेकंड में बंदा बेहोश हो जाता था। ये मेरे पिता थे, तस्वीरें झेले उफ तक नहीं की। और मोदी साहब, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जब वो वक्त आया कि इस एग्जीक्यूशन वॉज टू बी इंप्लीमेंटेड, 3 दिन पहले रानी का जन्मदिन हुआ, किंग्स एमनेस्टी हुई, 700 कैदियों में से 7 छोड़े गए पर्ची डाल के, उस पर्ची में बाप का नाम था। आए और कांग्रेस में 40 साल रहे, सबसे पहले एमएलए बने, एमएलसी बने, और उनका दोस्त था एक नंद कुमार, उन्हें कहा भगवंत सिंह क्या देशभक्ति में पड़ गया है, कारखाने लगा, 4 पैसे कमा। तो उसने कहा बात तो तेरी ठीक है मित्र, मैं पैसे बहुत कमा लेता, पर पेड़ों से ही छाया होती, समाज सबको गिरा देता, कितने ही धनी हो चले गए, कौन किसी का नाम लेता, कैसे बनती मेरे गुरु की बाणी, अगर बाबा नानक हट्टी लगा लेता। कोई गोधरा कराने वाला सरदार भगवंत सिंह सिद्धू के बेटे को सवाल करने लायक नहीं है, जिसका नाम लोया जज साहब के खून से रंगा हो, अब वो कौन नाम है दुनिया जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, मैं नाम नहीं लूंगा। वो सवाल सिद्धू को नहीं कर सकते, क्योंकि सिद्धू सिद्ध है, सत्य पे खड़ा है, और उसका प्रमाण तुम नहीं दोगे, वो लोग देते हैं जिन्होंने 5-5 इलेक्शन जिताए हैं। जहां जहां डिमोनेटाइजेशन हुई, बड़े डिनोमिनेशन के नोट 5,000 पाउंड, 1,000 पाउंड, 2,000 पाउंड, ये सब 100 पाउंड पे, 50 पाउंड पे आ गए, डॉलर 5,000 डॉलर, 1,000 डॉलर, ये सब 100 डॉलर पे आ गए। इंदिरा जी ने 5,000 रुपए, 1,000 रुपए कैंसिल करके 100, 200, 300 रुपए लगा, क्योंकि ढोना बड़ा मुश्किल है। गाड़ी में अगर रखोगे तो 1,000 का नोट तो आप जेब में डाल के चले जाओगे 20 लाख, और 20 लाख में गाड़ी भर जाएगी। आपने उल्टी गंगा बहा दी, आपने 1,000 का नोट बंद करके, 500 का नोट बंद करके 2,000 का पर्पल नोट निकाला, वाह क्या बात है, पर्पल पैच किया आपने। एक एक दिन में डिमोनेटाइजेशन में अगर चैलेंज करना हो तो कहीं पे भी करना। अहमदाबाद बैंक, अमित शाह साहब डायरेक्टर, 745 करोड़ रुपए 5 दिन में जमा। मोदी साहब सोचना चाहिए कि अगर 5 दिन में 745 करोड़ रुपए और 2.5 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकते, तो एक दिन में 12,000 लोगों को 2.5 लाख रुपया जमा कराना पड़ेगा। अगर 12 लोग एक दिन में थूक लगा के गिनते हैं वो नोट, 12 लोग एक दिन में जमा करा देना, मैं टांगों के नीचे निकल जाऊंगा। तो ये कैसे हो गया कि 12,000 लोग एक दिन में 2.5 लाख रुपया जमा करा के 745 करोड़, राजकोट बैंक 500 करोड़, जयेश भाई आपके कैबिनेट मिनिस्टर, वारे वाह, पड़े पड़े यार मेरी फतो दे है? अंधा सिपाही कानी घोड़ी, पिदना खूब मिलाई जोड़ी, अंधा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। पंजाबी में कहते हैं अन्ना मारे अन्नी नू, कुसुन बजे थम्मी नू, अंधा अंधी को मार रहा है, दूसरा कहीं थम्मी को लग रहा है, ट्रांसलेशन भी आती मुझे है। वाह रे वाह, क्या पर्पलाइजेशन की पंकजा मुंडे, 500 करोड़, 600 करोड़ों के ऊपर, 22,000 करोड़ रुपया ब्लैक मनी पर्पल, अरे वाह, हमारे क्रिकेट में कहते हैं पर्पल पैच, वाह यार वाह, पर्पल पैच। तभी तो ये कॉमेडी, जो ये कमांडो चैनल्स हैं, ये झुंझुना लेके मोदी 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 करते। उनमें से एक का नाम नहीं लूंगा, ही इज द ग्रेटेस्ट माइंड एवर टू स्टे इन प्रेप स्कूल, मैं कह रहा हूं क्या फर्क पड़ता है। किसान का इनकम आपने कहा था 1.5 गुना कर दूंगा, चलो 2 गुना कर दूंगा, लेकिन ऐसी कौन सी गिदड़ सिंह है, हमारे यहां कहते हैं पंजाब में गिदड़ सिंह है, देखो पारस है,
कि आपने 16,000 गुना जे 16,000 गुना को दे दो, लेबरर को दे दो, आम आदमी को दे दो, लेकिन आपने योजना बनाई है, मैं जानता हूं यह तगड़ी योजना है। एक जनता ने भी बनाई है। मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं कि 2016 में आपने नोटबंदी योजना चला, जेटली साहब ने टैक्स को बदल दो, आपने कहा नोटों को बदल दो, उन्होंने कहा टैक्स को बदल दो, ये योजना उन्होंने चला दी। उसके बाद योगी साहब, क्या बात है, उन्होंने नाम बदल दो योजना का, कि जनवरी में अगर ठती है तो जनवरी का नाम अप्रैल, शायद गर्मी लगने लगी है जी, उन्होंने ये योजना चला दी। मोदी साहब, अब जनता भी एक योजना चला रही है, सरकार बदल दो योजना, बड़ी जल्दी बुरे दिन जाने वाले और राहुल गांधी आने वाले, ये लिख लो मेरी बात, जितनी आहुतियां लेनी है लो, शौक से लो, नहीं डरते तुम्हारे टूल से, नहीं डरते तुम्हारे पायतंत्र से, शरीर मिटा सकते हो, आत्मा नहीं तोड़ पाओगे, योगी की भोगी की नहीं है, खून के आंसू रुलाए हैं तुमने बहुत लोगों को, मुखौटा है तुम्हारा, जरा मैस्करेडर, और वो मुखौटा उतर गया, मैं कह रहा हूं मुखौटा उतर गया। मेक इन इंडिया क्या किया तुमने, बुलेट ट्रेन जापान से, सरदार पटेल का बुत चाइना से, है जी, और बहुत कुछ विदेशों से, बस मेक इन इंडिया, पकौड़े तलना, पकौड़े तलेंगे नौजवान, रफाइल फ्रांस से, वाह, हर चीज में एक पैराडॉक्स है, एक झूठ है। नौकरियों की बात जब आती है तो मुझे एक कहानी सुनाई थी, मैं हंस के, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि यार ये ऐसी कहानी क्या है। एक रशिया का डॉक्टर आया, उसने डींग हाकी, कहने लगा हम किडनी निकालते हैं, दूसरे बंदे में डालते हैं, और बंदा 2 दिन में 9/9 हो गए घूमने लगता है। तो अमेरिकन आया, उसने कहा हम दिल निकालते हैं, दूसरे बंदे में डालते हैं, और बंदा 5 दिन में 9/9 होके यूं शूं करके जाता है, नौकरी पे चला जाता है। मैं आपको जो विंग कमांडर्स, बड़े बड़े जर्नैल हैं, उनकी बात बताता हूं। वो कहते हैं कि आज भी हमारी एयरफोर्स फ्लाइंग कॉफिन उड़ा रही है। ये जो मिग विमान है, ये 70 में खरीदा गया था और 90 में इसकी मियाद पूरी हो गई थी। इट्स कॉल्ड द फ्लाइंग कॉफिन। कितने लोग धराशायी हो गए, उड़ते ही नहीं है, 200 से अधिक जाने चली गई, 500 एक्सीडेंट हो गए, लेकिन वो जहाज नहीं बदले। और फिर उसके ऊपर आप ये कहते हो कि अगर राफेल होता तो क्या होता। मैं कहता हूं अगर कांग्रेस होती तो फिर राफेल जहाज भी होता और 36 ना होता, 126 होता। और यही सत्य है, कड़वा चाहे हो लेकिन यही सत्य है, क्योंकि कांग्रेस ने 126 जहाजों के लिए नेगोशिएट किया था 500 करोड़ में, लेकिन अंबानी साहब को 30,000 करोड़ का मुनाफा देने के लिए, कमाल है, कमाल है। गिरवी रख दिया आपने राष्ट्रीय सुरक्षा, गिरवी रख दिया आपने नेशनल सिक्योरिटी, और बिना बैंक गारंटी के साइन कर दी, बिना बैंक गारंटी के। हजूर, देश की सुरक्षा को आपने धंधा बना लिया, धंधा, बिजनेस। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। देश की सुरक्षा के साथ जो कॉम्प्रोमाइज कर गया वही तो एंटी नेशनल है, उसका मुखौटा उतरना चाहिए, सच देश के सामने आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मोदी साहब, ये मेरे आज सारे दिन की सबसे बड़ी बात है, अमेरिका में इलेक्शन होते हैं,
बहस होती, हिलरी क्लिंटन की ट्रंप साहब से हुई, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों की, अपने बराबर के लोगों की बहस होती है और लोग फैसला करते हैं कि कौन सच है, कौन झूठ है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है। आवाज खलक नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। तो हमारा प्रेसिडेंट बार बार गला फाड़ के चीख चिल्ला के कह रहा है कि आओ मोदी साहब मेरे साथ बैठो, आ जा वे माही तेनु अखियां उड़ीक दिया, मेरे साथ बहस कर लो और लोगों को फैसला करने दो। लेकिन आप मौन हो है? किसी जमाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, हमारे प्रेसिडेंट साहब करते, आप तो सिर्फ मन की बात करते हो। कमाल है यार, आओ ना यार, बैठो टेबल पर, बहस करो ना, बताओ ना देश को कौन ठीक है कौन गलत है। जैसे फाइल चोरी हुई वैसे ही अच्छे दिन भी चोरी हो गए। वो देश की सुरक्षा क्या करेगा मोदी साहब जो एक फाइल, डिफेंस फाइल की रक्षा नहीं कर सका। The country is not in safe hands. I'm categorical. Truth cannot be mutilated. In the war of right and wrong, you cannot afford to be neutral. Neutral game में नहीं हूँ। You're right, you're wrong. ये तो public है, ये सब जानते हैं। मैंने नहीं कहा, राजेश खन्ना। फिर मेरे को तो anti-national कह देते हो। हाँ जी, सरदार भगवान सिंह के बेटे को। अगला सवाल। दिलशेर सिंह ने पूछा है कि आपको लगता है मोदी सरकार के 5 सालों में संविधान और संवैधानिक संस्थान कठपुतली की तरह हो गए हैं? कठपुतली तो बहुत छोटा शब्द है। कठपुतली में क्या है, कठपुतली नाचती है, दिखता कुछ है लेकिन ऊपर से तुनका कोई और मारता है। लेकिन ये तो रबड़ के गुड्डे बना दिए, देखा ना, रबड़ के गुड्डे को चाबी दो। ये बना दिया आपने, दिन में चला करती थी सीबीआई, रात को चलती है, एक दूसरे पे तानाकशी करती है, रॉ एक्सपोज कर दिया आपने, सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया रॉ। और ये तो हद हो गई, अनप्रेसिडेंटेड है कि जुडिशरी सवाल करे लेजिस्लेचर के ऊपर और कहे कि हमें चलाना बंद कर दो, हमें डिक्टेट करना बंद कर दो। आरबीआई, आरबीआई मतलब जब देश तब तक खड़ा है जब तक आरबीआई खड़ा है। आरबीआई की आर्म ट्विस्टिंग करते हो, बाजू मरोड़ते हो और कहते हो कॉन्टिंजेंसी फंड दे दो, अब किसी और नाम पे 28,000 करोड़ रुपया ले लिया निजी स्वार्थ के लिए। क्या देश हित देखा आपने है? और फौज के कंधों से सियासी तीर चलाते हुए, फॉर गॉड सेक लीव द आर्मी अलोन, दे आर फाइटिंग बैटल्स फॉर दिस नेशन, नॉट योर इलेक्शंस। जुडिशरी, रॉ, आईबी, सीबीआई, ये संस्थाएं देश का गौरव हुआ करती थी, गौरवपूर्ण बिताया हुआ एक घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है। बुलबुला चाहे एक पल क्यों ना जिए, मोदी साहब सबसे ऊंचा होके जीता है। ये सुच्ची और उच्ची पंजाबी में कहते हैं कि पाकीजगी थी, पवित्रता थी, ऊंची संस्थाएं थी, आपने इन्हें अपनी नजरों में गिरा दिया। आरबीआई का गवर्नर इस्तीफा देता है, क्या एक कोइंसिडेंस है? सीबीआई का टॉप बॉस इस्तीफा देता है, आपने इन्हें बेबस कर दिया, लाचार कर दिया, मजबूर कर दिया। ये गौरवमयी संस्थाएं लाचार, बेबस, बेचारे हो गए। नहीं मोदी साहब, मैं तो समझता हूं और समझता था कि दाल में कुछ काला है, तो दाल ही काली है। मैं सोचता था रंग में भाग है, ये तो कड़ी में कोयला है। सब उदासी की तरफ है, नया सृजन चाहिए, नई उमंग चाहिए, नई तरंग चाहिए। द पॉलिटिक्स ऑफ होप, ये आस और विश्वास जो आपकी लहर में था कभी, ये खेरू खेरू हो गया। ना आस रही, विश्वास, बस एक बढ़ता हुआ सैलाब है, एक इनकलाब है और हर तरफ एक ही आवाज है, बदलाव है, बदलाव है। भाग भाग मोदी भाग, के देश की जनता आती है सिंहासन दिलाती।
खटाक। अगला सवाल दुर्गेश जी ने पूछा है, मोदी जी ने 2014 में किसानों के लिए बड़े बड़े वायदे किए थे, लागत का 1.5 गुना मुनाफा दिलाने की बातें की थी, बदले में मंदसौर में गोलियां मिली, दिल्ली में लाठियां और 6,000 रुपए के एहसान का तमाचा, क्या यही था किसानों के अच्छे दिन का वादा? इसका जवाब मैं दे चुका हूं कि मोदी साहब 0.1% पूंजीपतियों को 17,00,000 करोड़ रुपए का मुनाफा दे चुके हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं है, ना कोई कर्जा माफी है, बस एक रैपर है, लॉलीपॉप देखा वो रैपर वाला लॉलीपॉप, अंदर उसके भी कुछ नहीं, वो रैपर वाला लॉलीपॉप है कि अब आपको हम 6,000 रुपया साल देंगे। 6,000 साल महीने का कितना हुआ? 460 रुपए। वाह, दिहाड़ी दिहाड़ी का लेबरर को मिलता है। आप किस तरह से इस किसान की इनकम को उठाएंगे, उनके लिए मंडियां बनवाएंगे? 6% किसान MSP ले पाता है, और जो एरिड एरियाज हैं, जो एरिड एरियाज जहां पे पानी उतना नहीं है, 20-20 एकड़, 5-5 एकड़ के बराबर है, वहां कहां से कहां आ गए हम? अन्नदाता को कहां खड़ा कर दिया हमने? किस तरह से, किस तरह की मजबूरी में वो आज खुदकुशियां कर रहा है? क्या दिया है आपने उसको? दिया कम है और लिया ज्यादा है। हमारे यहां लहर चला करती थी स्वाधीनता से पहले, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल होए, बैरियां ने आज तेरा लुट लिया माल होए। अरे बैरियों ने कहां लूटा, ये तो अपनों ने लूटा। कितनी जंगें जिताई इस जर्नैल ने, इस सबसे महान हिंदुस्तान के सपूत ने। 2% पंजाब का एरिया है, 60% अनाज पूरा किया। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन मिट गया, जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या, ये उस खली महाबली जर्नैल जैसा है जिसको खत्म करने की साजिश अपनों ने ही रच दी। खली बड़ा तगड़ा जर्नैल था, कितनी लड़ाइयां उसने राजा को जिताई, राजा को लगा यार ये हमसे ही बड़ा होता जा रहा है, इल्जाम लगाया, पेट इल्जाम है, राष्ट्रद्रोही, और खली को बांध के पीपल के पेड़ के साथ खड़ा कर दिया, कहा पत्थर मारो भाई, पत्थर मारो। अब सब आगे पत्थर मारते थे, खली बिल्कुल नहीं रोया, आंख से खून चले, यहां से खून चले, यहां से खून चले, हर जगह से खून, लेकिन वो नहीं रोया। फिर उसकी अपनी फौज उसके सामने खड़ी कर दी, कहा मारो पत्थर। अब कैसे मारे, वो बच्चों की तरह पाले हुए महफूज रखे हुए फौजी, तो एक ने पहले ने फूल उठा के उसे मारा, और जैसे ही फूल खली को लगा वो फूट फूट के रोने लग गया। कहा यार पत्थर मारने पे तू रोया नहीं, और फूल मारा तो तू रोया? कह रहा लोग का मारे रोड़े, लोगों ने मारे पत्थर, मुझे पीड़ रता ना हुई, मुझे कोई पीड़ नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ, लोग का मारे रोड़े मैनु पीड़ रता ना हुई, मित्रा ने फूल मारिया, दोस्तों ने फूल मारा, मेरी रूह अंबरा तक रोई, अंबर तक मेरी रूह रोई। देखिए इस किसान को, जिसके लिए राहुल गांधी साहब ने 3 स्टेटों में सब कर्जे माफ कर दिए, मिनिमम इनकम गारंटी लाके खड़ी कर दी, और आज चुनाव की आड़ में आप फिर इनको लॉलीपॉप दे रहे हो 500 रुपए महीने का? इनकी इनकम को बढ़ाने का कोई साधन है? अरे देखो एम्प्लॉई की इनकम 500-500 गुना बढ़ गई, सरकारी एम्प्लॉई एवरी ईयर 4.5 लाख गेट 7th pay commission का फायदा, डीए डियरनेस अलाउंस, क्या किसान को दिया है आपने? तोलो ना उसी तराजू में उनको। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, बैरिया ने आज तेरा लुट लिया माल ओए। अगला सवाल गुरु उद्भव भट्ट ने पूछा है, आप भाजपा में भी रहे हैं और अब कांग्रेस में हैं, दोनों दलों में आप क्या देखते हैं? अरे वाह यार, इसका सवाल मैं पहले भी दे चुका हूं भैया, मेरी कोई भाजपा से दुश्मनी नहीं थी, 10 साल एक पार्टी में 3 चुनाव जीता था, लेकिन वो पार्टी डाकुओं के साथ खड़ी थी, तस्करों के साथ खड़ी थी,
पंजाब को लूटने वालों के साथ खड़ी थी, हिंदू सिख भाईचारे के नाम पे एक स्वांग रच रही थी, बड़ी बड़ी डोनेशंस जा रही थी, जिन लोगों ने पीढ़ियां तबाह कर दी नशे की तस्करी से, पंजाब को दबा के लूटा और डट के कूटा, सवाल करो वो भी ऐसे थे, तुम उनके साथ खड़े थे। सिद्धू ने क्या कहा? सिद्धू ने यही कहा कि मैं इन तस्करों के साथ नहीं खड़ा रहूंगा, मेरी आत्मा गवाही नहीं देती। आपने सिद्धू को वहां से खींच लिया और यह कहा कि पंजाब में मत रह, कुरुक्षेत्र से लड़ ले। तीन बार जीता हुआ आंधियों में जब कोई अमृतसर से लड़ता नहीं था, कोई एमपी 16 महीने से ज्यादा अमृतसर का एमपी नहीं रहा, मैं तीन बार पांच साल एमपी रहा, कभी ढाई साल बाद इलेक्शन आया, फिर ढाई साल बाद आया, तीन इलेक्शन आंधियों में, चलती आंधियों में, जब 50 सीटों पे कोई एमपी नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, तो सिद्धू अमृतसर से था, ठीक है, 50 सीटों पे, हाँ। और तुमने कहा कुरुक्षेत्र चला गया, क्यों? जब मोदी लहर आई, रबड़ी खाने का टाइम आया, गन्ने चूसने के लिए बंदरिया और डंडे खाने को रीछ, तो सिद्धू कुरुक्षेत्र चला जा, सिद्धू के वचन का कोई मोल नहीं, रघुकुल रीछ सदा चली आई। मेरी मां ही समझा गई मुझे, मेरे पिता ने ही शास्त्रों से लिख लिख के बोला कि तेरी वैल्यू तब है जब तेरी जबान पे भरोसा है। अमृतसर में खड़ा होकर अंजलि में चल लेके कहा था कि जब तक रहूंगा अमृतसर में रहूंगा, यहीं से चुनाव लड़ूंगा और अमृतसर के कंधों पे ही जाऊंगा, ये मेरा वचन है, ये मेरी अग्नि परीक्षा है और ये मेरी घोर प्रतिज्ञा है। कैसे फिर जाता सिद्धू अपने वचन से? राजनीति में आया था टू रेज द इमेज ऑफ द अग्नि पॉलिटिशियन, उन लोगों को कैसे बिट्रे कर देता, लेकिन क्यों? क्योंकि बादल साहब की नू हरसिमरत को मंत्री कैसे बनाते जब चौथी बार सिद्धू जीतता वहां से, इसलिए कुरुक्षेत्र चला जाता। और एक तीर से दो शिकार, सिद्धू को पंजाब से बाहर भेज दो और जिसको वो सबसे ज्यादा सम्मान देता है उसको यहां ले आओ और उसको यहां से इलेक्शन लड़ा दो और सिद्धू चला जाएगा। जीता रहा हूं अपनी धुन में मोदी साहब, दुनिया का कायदा नहीं देखता, जीता रहा हूं अपनी धुन में, दुनिया का कायदा नहीं देखता, रिश्ता निभाया है तो दिल से कभी फायदा नहीं देखता। सिद्धू ने त्यागी लोकसभा, लिलड़ियां निकालते हैं लोग, करोड़ों लेके घूमते हैं आपके पास टिकट लेने के लिए, सिद्धू ने कहा नहीं तोड़ूंगा वचन, नहीं छोड़ूंगा गुरु का घर। कुकर है सिद्धू, नौकर है गुरु घर का, इलेक्शन नहीं लड़ेगा, तू मंत्री होगा, सिख फेस है, अकेला जहां हाथ रखेगा वहां मिलेगा। गुजराल आके बोलता है मुझे, पूछो उससे। सिद्धू ने कहा नहीं लड़ूंगा, हां मुझसे बड़े को किसी को ला रहे हो, पार्टी का फैसला है, आओ, लेकिन इनकी इनकी कैंपेनिंग मैं नहीं करूंगा। सिद्धू तब भी पंजाब के साथ था, आज भी पंजाब के साथ है, आप कोंडों के साथ खड़े थे। फिर आपने रोटी का टुकड़ा फेंका मोदी साहब, आप टाट फेंकते हो ना, सौदेबाजी में मास्टर हो। आपने कहा राज्यसभा ले ले सिद्धू, राज्यसभा ले ली, आपका हुक्म था, आप पड़े थे, आपको कहा राज्यसभा पंजाब की तरफ ले जाएगी, मेरी जड़ की तरफ ले जाएगी, जड़ है तो तना है, पत्ते फल है, तो मेरे लिए पुण्य स्थल है, पूजनीय है, गुरु रामदास पातशाह का स्वरूप है, सदाशिव महादेव है, मेरी मां है। लेकिन अगर राज्यसभा मुझे पंजाब से दूर ले गई तो मेरे लिए इसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। और मोदी साहब दो महीने बाद, डेढ़ महीना भी नहीं हुआ था राज्यसभा में, आपके किसी बड़े जर्नैल ने मुझे कहा मैं नाम नहीं लेना चाहता, तब नहीं लिया तो अब क्यों, आपके किसी बड़े जर्नैल ने कहा पंजाब से दूर रहो, अगर कैंपेन नहीं करनी तो पंजाब से दूर रहो। मैं गया चुक तेरी राज्यसभा, बता दो मोदी साहब किसी ने आपकी 6 साल की राज्यसभा को लात मारी हो, लोग तो बाजू दे देते हैं, मैं ठोकर मार के चला आया, उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, ये मेरे पिताजी गाया करते थे जब कीर्ति कदर पार्टी में थे।
सुनो, असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो कौड़ी की नहीं थी वो राज्यसभा सिद्धू के लिए। सिद्धू ने पंजाब को चुना और तुमने तस्करों को, गुंडों को, लुटेरों को, क्योंकि वो बड़े बड़े फंड भेजते थे, ठीक है भाई, उन लोगों के तो वसूली है नवाब बढ़ाना भैया, द होल थिंग इज दैट, सबसे बड़ा ठोकर नहीं मारता है सिद्धू के बाप ने उसके माथे पे लिख दिया था नॉट फॉर सेल। अब समाप्ति पे आ गए हम, एक आध सवाल और रह गया होगा। अगला सवाल दागो भाई, और दूसरी बात और लाल एंड अंत ये करता हूं, फिर सवाल पूछा गया कि आपने मां कहा था पार्टी को, अभी पकड़ लो पूछ। अरे भैया मां कहा था, ये तो नहीं कहा था कि सौतेली मां है, कह कही है कि कौशल्या, यहां मेरे मां बाप ने 42 साल सेवा की कांग्रेस पार्टी की, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उनके साथ, सरदार पटेल के साथ, जवाहरलाल नेहरू साहब के साथ, महात्मा गांधी के साथ, वो मेरी घर वापसी थी और वर्कर गाना गा रहा था, आपने सुना नहीं वो जब प्लीनरी सेशन हुआ था, आ जावे माही तेनू अखियां उड़ीकती हैं, इट वाज अ होम रन फॉर मी खटैक। अगला सवाल काजल रावत जी ने पूछा है, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी के बीच में समानताएं बताएं। अरे वाह क्या सवाल, इन लोगों को लोन क्यों मिलता है? अरे क्या सवाल किया है गुरु, देखो भैया दोनों 10 लाख का कोट पहनते हैं और 15 लाख का चूना लगाते हैं, ठोक के लगाते हैं, लगाते कि नहीं लगाते, दोनों जवाब नहीं देते, नो कमेंट्स, दोनों अकाउंटेबल नहीं, दोनों ट्रांसपेरेंट नहीं, और दोनों विदेशों के भ्रमण करते हैं, 2000 करोड़, 3000 करोड़, दोनों को कोई पूछता नहीं है। नीरव मोदी साहब के साथ फोटो कितनी गौरवान्वित कर रही थी, देखी कि नहीं, किसी किसान के साथ देखी, किसी गरीब के साथ देखी, किसी मार्टर के साथ देखी, 40 करोड़ का बंगला तो जला दिया, लेकिन ब्लैंक चेक क्यों नहीं लिया 20,000 करोड़ का, और वो तो मौज कर रहे हैं मोदी साहब। अगर आप ये सोचते हो कि ब्लैक मनी किसी ने कार की डिग्गी में रख रखी है, या अपने घर में जमीन खोद के उसके नीचे छुपा रखी है, या कमरा भर रखा है, तो गलत है। ब्लैक मनी सोने चांदी के रूप में विदेशों में है, ब्लैक मनी यूरो में है, डॉलर में है, पाउंड में है, मनी इज जस्ट एन एक्सचेंज वैल्यू, लेकिन द सिनिक नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग एंड द वैल्यू ऑफ नथिंग। वैल्यू किसकी घट रही है और किसकी बढ़ रही है, ये समझिए और समझाइए लोगों को, मैं समझा रहा हूं, वैल्यू बढ़ रही है यूरो की, वो लाखों करोड़, 90 लाख करोड़, आप कहते थे ना 90 लाख करोड़, 15-15 लाख सबके हिस्से में आएगा, वो 90 लाख करोड़ रुपया यूरो को तगड़ा कर रहा है, पाउंड को तगड़ा कर रहा है, डॉलर को तगड़ा कर रहा है, रुपया गिरता चला जा रहा है, और रुपए के साथ इन्फ्लेशन हो रही है, रुपए के गिरने के साथ 500 रुपया जो मजदूर कमाता है उसकी वैल्यू 200 रुपया रह गई। ये सत्य है, कड़वा है लेकिन यही सत्य है। नीरव मोदी साहब और मोदी साहब एक नेशनल बैंक को चूना लगा रहा है, एक नेशन को चूना लगा रहा है, हर तरफ घपला ही घपला है कि मैंने सुना था राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लेकिन यहां तो लोगों के खून पसीने की कमाई की लूट है, लूट सके तो लूट, खुली छूट, लूट सके तो लूट, तुम अरबपतियों को खुली छूट, ये खुली छूट है तुम सबको, क्योंकि तुम्हारा कोई ब्लैंक चेक नहीं है, तुम्हें अरेस्ट नहीं किया गया, 1 लाख करोड़ रुपया तुम्हारी देनदारी है, तुम्हें किसी ने पूछा भी नहीं, तुम्हारे तो जहाजों में भ्रमण होता है, अडानी लिखा होता है, तुम्हें ठगा कर कितने कैंपेनर जाते हैं उसमें है? चलो क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे, वो गाना था ना पर्दे में रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो फिर हाय तौबा, उठ गया पर्दा, उठ गया। नबी मलिक का सवाल है,
देश के अन्नदाता से भी वर्तमान सरकार ने धोखा किया। फसल बीमा के नाम पर सुनते हैं अपने दोस्तों कंपनी को खूब फायदा पहुंचा रहे हैं, क्या ये सच है? मैं कहा इससे बड़ा सत्य ही कोई नहीं। 31,000 करोड़ की बीमा योजना थी, 31,000 करोड़ से किसान को सिर्फ 15,000 करोड़ मिला और 16,000 करोड़ रुपया बिरला टाटा अंबानियों की जेब में गया। ये तो सत्य है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। 16,000 करोड़ रुपया बजाज टाटा रिलायंस ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के का, पहले सूबे की सरकारें करती थी और वो सही करती थी, वो बड़े सस्ते रेटों में करती थी। LIC सरकारी कंपनियां थी ना, LIC ऐसी कंपनियां करती थी। प्रीमियम जो है वो 350% बढ़ गया, आप सोच के देखिए जरा। और क्लेम किसान को मिला कितना, 0.42, मतलब 350% बढ़ के अमीर अरबपतियों को और किसान को 0.42। 2,80,000 फार्मर सोया की खेती करता है, एंटायर क्रॉप जितना भी है, वो क्रॉप फेल हुआ तो प्रीमियम 173 करोड़ का और किसान को मिलता है 30 करोड़। नेट प्रॉफिट बड़ी कंपनियों को, मैं मैथ्स में कमजोर था, मुझे भी पता है 143 करोड़। किसान की मेहनत, रिलायंस का मेवा 10% सेवा 90% मेवा। रोहित डोगरा का सवाल है, देश की जनता राहुल गांधी को क्यों चुने? अरे बहुत बड़ा सवाल करके यहां पे खड़ा है सारा देश, यहां पे खड़ा है भाई, और ये जवाब सुनते जाना क्योंकि यहां अंत करूंगा, क्योंकि ये चरम सीमा है कि क्यों राहुल गांधी को क्यों चुना जाए। मोदी साहब, मोदी साहब की हर तरकीब खोटी पड़ गई, जिंदगी अब छोटी पड़ गई। देखो एक ने सत्य के अलावा कुछ बोला नहीं और दूसरे ने झूठ के अलावा कुछ कहा नहीं, एक जांचा परखा खरा, जो कहा वो किया, दूसरे ने जो कहा उसमें से कुछ भी नहीं किया। आप देख लो, 2 करोड़ नौकरी, बुलेट ट्रेन, गंगा साफ, ब्लैक मनी 15 लाख रुपए। राहुल भाई ने 3 स्टेटों में जाके कहा था कि 10 दिन के अंदर तीनों का कर्जा माफ होगा, ठाक करके 3 दिन नहीं पढ़ने दिए। और बाकी भी मिनिमम गारंटी स्कीम और जो रोजगार की स्कीम है वो भी इंप्लीमेंट कर दी और कह दिया कि 4,500 रुपया भत्ता मिलेगा जिसके पास नौकरी नहीं है। यही चल रहा है भैया, यही 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 बात है। चंद्रमा तारामंडल में बैठ के अपनी पढ़ाई हांकता है, लेकिन जब सूर्य उदय होता है ना तो चंद्रमा और तारों के तेज फीके पड़ जाते हैं, सूरज प्रमाण नहीं देता कि उसमें प्रकाश है। सत्य प्रमाणित करना नहीं पड़ता, कहनी और कथनी एक जैसी है। और सोना आग में डालोगे तो काला नहीं पड़ता, और समरता है और निखरता है। जितनी कठिन परिस्थिति उतना राहुल गांधी सामने, देखो उस विनम्रता को देखो, एक लोकतांत्रिक असूलों पे खड़ा है, एक कहता है सबको आवाज उठाने का हक है, लोगों की आवाज, लोगों की सरकार, लोगों के वास्ते, दूसरे ने लोकतंत्र का गुंडा तंत्र बना दिया, भय तंत्र बना दिया, ट्रोल तंत्र बना दिया, और ट्रोल तंत्र के साथ साथ डंडा तंत्र बना दिया। हमारी मानोगे तो सही हो और नहीं मानोगे तो बम निकाल देंगे, जेल में भिगवा देंगे, गोली चलवा देंगे। कितने प्रमाण दो, गौरी लंकेश, वर्मुला साहब, नजीब, कितने उदाहरण दूं मैं, मतलब कितने ही ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको नौकरियों से निकलवा दिया, वो अपने प्राइवेट चैनल खोल के ले, लेकिन वो हारे नहीं, उनकी आवाज आज भी गूंज रही। एक नेता है, दूसरा अभिनेता है, ड्रामा अभिनेता ठगा, जो दिखता वो है नहीं। स्किम मिल्क मैस्कुलेट्स द स्क्रीन, थिंग्स आर सेल्डम एज दे सीम। एक परिवार ने 4 गांधी दिए, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद गांधी जिन्होंने 2 कर्तव्य पथ पे जान गवा दी, सोनिया गांधी, दूसरी 3 मोदी की।
गली में, महल्ले में, शाल में, नुक्कड़ में कार्यकर्ता को बोलता है चौकीदार चोर है, और कुछ जिद्दू जैसा कहता है चौकीदार तो कुत्ता बिच्छू से मिल गया है, वेलकम करता है। यह राहुल गांधी, यही विकल्प है। मैं मानता नहीं हूं, मैं जानता हूं लोकतंत्र को अगर महफूज रखना है और इन बेड़ियों से उसे स्वतंत्र करना है, ये बहुत जरूरी है। ये देश 56 इंच की छाती के अहंकार से नहीं चलेगा, राहुल गांधी के दरिया जैसे दिल से चलेगा, फराक दली से चलेगा, गरीब की भलाई से चलेगा, उस भावना से चलेगा जो हर वर्ग का सम्मान करना जानती है, जो जोड़ना जानती है वो तोड़ना नहीं जानती, जो डंडा तंत्र गुंडा तंत्र नहीं जानती, सिर्फ लोकतंत्र को जानती है। इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। अनलॉक पोटेंशियल आपका तो सबने देख लिया ना, वो अनलॉक पोटेंशियल है, अभी बने नहीं पता। तो ट्रेलर ऐसा है तो फिल्म तो तगड़ी होगी ना। एक साल में 3 इलेक्शन जीते, उसी से हड़बड़ा गए। आई मानता हूं चूने की छत को जितनी चोट लगती है उतनी तगड़ी होती जाती है। किरदार दर्शाया मुश्किल परिस्थितियों में, कच्ची ईंटें आग में डाल दो पक के सॉलिड हो जाती है। सॉलिड हो भाई, सॉलिड मानता हूं। सुरखरू हुए आप कठिन परिस्थितियों में, और मेरी बिग बॉस और मेरे बिग बॉस दोनों कठिन परिस्थितियों में फलते फूलते हैं। कोई फूलों की सेज नहीं दी इनको, एक को ईस्टर्न यूपी और दूसरा तब आया। हमारा लीडर है, हमारा हीरो है, हमारा बॉस है, तब आया जब पार्टी में कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। 100 भेड़ों के आगे एक शेर लगा दो, भेड़े शेर हो जाती, और 100 शेरों के आगे एक भेड़ लगा दो तो शेर ढेर हो जाते हैं। ये लीडरशिप होती है, कमजोरियों को ताकत में तब्दील करती है, राह की बाधा को सफलता की सीढ़ी बनाती है, हार को जीत में तब्दील करती है। दैट इज व्हाट अनलॉक पोटेंशियल इज।